हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं केराटोकोनस का इलाज जो हम कर रहे हैं इंटैक रिंग से। अब ये सब चीजें क्या हैं थोड़ा सा समझते हैं। देखिए केराटोकोनस, पहले समझते हैं केराटोकोनस क्या है। केराटोकोनस जो है आंख की एक पुतली की बीमारी है। तो हमारी आंख में ये जो आगे का काला हिस्सा होता है इसको हम लोग कहते हैं काली पुतली। अब ऊपर वाले ने इस काली पुतली को बिल्कुल गोल बनाया, लेकिन किसी वजह से आज तक किसी को नहीं पता चला क्या वजह है। कोई कहता है आंखें मलने से हो जाती है, कोई कहता है एलर्जी से हो जाती है, कोई कहता है जेनेटिक से हो जाती है, कोई कहता है अननोन कॉजेज, अननोन एटियोलॉजी है। किसी वजह से ये जो गोल पुतली है ये कमजोर हो जाती है और ये ऐसे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है। ये जो गोल पुतली, ये कोन बन गया, कोनिकल बन गई, इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं केराटोकोनस। तो केराटोकोनस, केराटो का मतलब होता है कॉर्निया या काली पुतली, कोनस का मतलब होता है कि ये कोन जैसी बन गई। अब इस कोन बनने की वजह से आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। जैसे लाइट को देखेंगे तो लाइट फैली फैली दिखती है, ऐसे फैल जाती है लाइट को देखते हैं तो, या जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो डबल दिखती है, शैडोइंग दिखती है। जैसे ए को देख रहे हैं तो ए के पीछे एक ऐसी शैडो मिलती है, या स्ट्रीक्स दिखती हैं लाइट ऐसी लंबी लंबी सतरंगी जैसी, रेनबो जैसी लाइटें फैल रही हैं। इस तरह की प्रॉब्लम इस कोनिकल होने से बनती है। तो अब इंटैक्स से हम क्या करते हैं, इंटैक्स बेसिकली रिंग्स होती हैं, सेमी सर्कुलर रिंग्स, इस तरह के रिंग्स होती हैं। तो इसमें हम एक रिंग को भी यूज कर सकते हैं और दो रिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो इंटैक्स में हम क्या करते हैं कि ये जैसे चोंच निकल गई पुतली की, तो हम इसमें रिंग डाल के, एक रिंग डाल दी, दो रिंग डाल दी, और इस पुतली को हम थोड़ी सी गोलाई दे देते हैं। ठीक है जी, हमें ये समझना है कि इंटैक से गोलाई तो आ गई, लेकिन उस लेवल की गोलाई नहीं आती जो ऊपर वाले ने बनाई है। तो आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है लेकिन 100% एलिमिनेट नहीं होती। और फिर गोलाई देने के बाद इसके ऊपर हम लोग C3R करते हैं, जिससे हम पुतली को हार्ड करते हैं कि ये अपनी जगह पर स्थिर हो जाए और रुक जाए। उसके बाद पेशेंट को चश्मा पहनना पड़ेगा सांप देखने के लिए, और अगर चश्मा पहनने का मन नहीं है तो आंख के अंदर एक लेंस जिसको हम ICL कहते हैं उसको डाल के चश्मा हटा भी सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इंटैक्स प्रोसीजर्स होते कैसे। आई एम शोज देवनाथ फ्रॉम बांग्लादेश चिटागांव। मेरे आंखों में केराटोकोनस 10 ईयर से मेरे चिटागांव हॉस्पिटल में डायग्नोस हुआ था। के सर ने बताया तुम्हारा आंख में केराटोकोनस है और बहुत एडवांस हो गया, इसलिए तुमको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना जरूरत है। CTR के बाद सर ने बोला था कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने के लिए, तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना बहुत परेशानी है, तो इसलिए बचने के लिए मैं और अपडेटेड ट्रीटमेंट खोजा था। इंटेक्स प्लस C3R के बाद विजन बहुत अच्छा हो जाती है, इसे इसके पास कॉन्टैक्ट लेंस की पड़ने की जरूरत नहीं है। सो मैं दिल्ली पर आया इस ट्रीटमेंट के लिए। मेरा जो प्रॉब्लम्स है, मैं लाइट फैली फैली देखता हूँ, शैडो देखता हूँ, कुछ ठीक से नजर नहीं आती है। मैं पहली बार आया था चेन्नई में, गया वहाँ पे शंकर नेत्रालय में, CTR के साथ डॉक्टर ने बोला था कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने के लिए, तो मेरा कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने के मन नहीं चाहता है क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पड़ने का बहुत परेशानी है, इसलिए मैंने इंटेक्स करने के लिए इधर आया। तो यहाँ के आकर मैं डॉक्टर आसिफ से बोला, तो उन्होंने बताया सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम C3R प्लस इंटेक्स करोगे तो तुम्हारा विजन भी अच्छा हो जाएगा और केराटोकोनस भी रुक जाएगा। मेरे लेफ्ट आई में पुतली जो है ना वो एडवांस हो गया, तो सर ने बताया लेफ्ट आई को मेरा पुतली का ज़रूरत है, पुतली का चेंज करना होगा। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ फ्रॉम I7 लाजपत नगर। सो टुडे वी आर गोना सी वन मोर न्यू प्रोसीजर फॉर अ वेरी वेल नोन डिजीज कॉल केराटोकोनस। ओके, सो बेसिकली द प्रोसीजर दैट यू विल बी सीइंग टुडे इज इंटैक्स रिंग। ओके, सो प्रीवियसली इट यूज टू बी व्हेन अ पेशेंट कम्स विद केराटोकोनस और किसी को भी केराटोकोनस हो गया, फर्स्ट क्रॉस लिंकिंग, हर जगह अभी भी मोस्टली क्रॉस लिंकिंग करते हैं, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर टू स्टॉप द प्रोग्रेशन। बट इन रीसेंट ईयर्स the trend is shifting from
just doing a plain cross linking to do some other procedures along with it, so that patient is having some amount of visual gain also apart from stopping the progression. This is called as CXL plus. Okay, and in that one procedure is intact along with that cross linking. So the patient selection is more important in this, especially patient who is having keratoconus, who is having a very high cylinder. So in these are the patients who are an ideal candidate. So ideal candidate for placing an intact ring and doing a cross linking along with this. First thing, it has to be a progressive keratoconus. Second, it has to be a patient with a high cylinder. So why I am saying high cylinder is mild to moderate cylinder, it does not cause much visual disturbances. And even doing a TCAT or like TREK or like topo guided PTK or like doing a plain PTK along with a cross linking would definitely help. But people who are having high cylinders and along with the progressive keratoconus would benefit much with the intact with cross linking. Also, for some people for whom the cone is shifted, so in those patients we can use one ring. So intact mein rings dalte hain, we'll put rings inside the cornea. So either one ring dalte hain or two rings dalte hain, depending upon the location of the keratoconus, cone kaisa hai, uske saap mein, we'll put the cone, we'll place the intact ring. So some people we do one ring, some people we do two rings. Okay, so in that case, basically what we do is try to shape the cornea in such a way by placing the rings so that his visual is cylinder. First thing is cylinder will come down definitely, and his correction with the glasses will improve. And if the patient is already using contact lenses, he will have a better tolerance with the contact lenses. These are some of the benefits that you will be getting with intact. Today with us is one patient who is 26 year old. He is having a progressive keratoconus and he is having around 10 diopters of cylinder, and his cone is slightly decentered. So in this patient we are planning to do a asymmetric matlab ek side ka ring is one size and the other side ka ring is a different size. Asymmetric intact ring placement karenge. Along with that we will do a cross linking. Okay, so the intact to place the ring, we have to create a corneal pocket. That will be done using a femtosecond laser. Some people do with manual, but with femtosecond laser more accurate and more smooth pocket create hoga, uske andar aaram se hum place kar sakte hain. This intact with cross linking we are planning in the right eye. And one more important thing is that ye intact place karne ke bhi usko minimum thickness chahiye. Jahan hum intact place kar rahe usme minimum thickness hona chahiye jab bhi hum intact place karte hain. In case advanced keratoconus where zyada thinning ho gaya, if the cornea has become more thin, then you will not be able to place even this ring. So in his left eye, he is not an ideal candidate for an intact in the left eye. So in that, we need usme bhi progress ho rahi hai, and then his thinning, his cornea is also around 350 microns ka thinning hai. So in that, we are planning to do a Bowman's membrane stromal transplantation. So isme donor cornea se we are taking a Bowman's layer and little bit of stroma, and then we are going to add that into his cornea by creating a pocket. ये add करने में क्या होगा, first thing is like Bowman's membrane से थोड़ा सा strength मिल जाएगा cornea का. Apart from that, the thickness, his corneal thickness is also going to increase little bit. ये increase होने में we'll be able to do a cross linking along with that. So right, we have planned a right eye intact cross linking and a left eye Bowman's membrane stromal transplantation along with the cross linking in his left eye. So now you can see that we have created a femtosecond pocket using wave light platform. And now after this pocket was created at a 6.2 mm zone. After this he'll be shifted, and then like this pocket will be opened up manually to place the rings. So here you can see we have made an incision at 130 degree. Now I am planning to open the incision. So we have a special instrument to open the incision. So you just go down this track and then open it up. Yes, as I told you before, we are using two different thickness, asymmetric. The thicker one 0.45 down and 0.25 mm ka jo thickness wala upar rakhna hai. So this is the ring we are going to place. This ring will be coming inferiorly, so usko yahan rakh ke, once you place in the pocket, so now this is the second ring, the thinner ring we are going to place.
So this is a thinner ring, you can see it goes in very easily. So now you can see two well-placed rings. Some people do put sutures this to close the incision, and it's an optional thing. So now we'll do the cross-linking part. So we have done 20 minutes of soaking using riboflavin, following which I have started UV light. So this UV light interacts with the riboflavin that is soaked in the cornea, and this helps in the cross-linking. So by cross-linking, what happens? The cornea regains its strength to a certain extent, and this helps in slowing down the further progression. So the drops initially while soaking, so we use drops every 2 minutes for 20 minutes. Now right now you have to use intermittent riboflavin drops during the UV light also. We are doing an accelerated protocol, so in which the UV light of 9 milliwatts per centimeter square radiated over the cornea for 10 minutes. So this comes to the end of the procedure. The 10 minutes of UV radiation is over, and now I am removing the excess riboflavin, washing the ocular surface. And after this, a contact lens will be placed because there is an epithelial defect, and the contact lens can be removed after 5 to 7 days when the epithelium heals off. The take-home message is, like always, the cross-linking and contact lens are gold standard. So always the contact lens is going to give you a very good vision, especially in patients with keratoconus. And in some patient who doesn't wear contact lens, or in some patients who is using contact lens, is not able to tolerate contact lens, these additional procedures can also be combined with cross-linking, and that would result in a better visual acuity as well as better vision without the use of contact lens also. सब कुछ ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा फील हो रहा है। ठीक है तो looks slightly down ये मेरे कान की तरफ। जो इंटैक्स रिंग है वो तो पोजीशन पे है, ठीक है, बट आपका थोड़ा सा जो वाटरिंग एंड थोड़ा सा हल्की सी पेन रहेगा, क्योंकि आपका जो सीथ्रिया साथ में किया है, सो उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखा है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा सा आपका इरिटेशन, माइल्ड इरिटेशन होगा। एक दो दिन में आपका ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, एंड 5 to 7 days के बाद जब कॉन्टैक्ट लेंस निकालने के बाद आपका बिल्कुल नॉर्मल फील होगा, ठीक है। हाँ, एंड हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा धीरे धीरे होते हैं सीथ्रिया में, ठीक है, एंड उसका इफेक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। एक बार 1 week में दिखाना है, फिर 1 month में दिखाना है, फिर 3 months में दिखाना है, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली हम चेक करेंगे, पेंटागम भी करेंगे, इसमें कितना इफेक्ट आया, इंटैक्स का इफेक्ट, फिर नंबर वगैरह चेक करेंगे आपका, वो सारी चीज़ हम बता देंगे फॉलोअप्स में, ठीक है। So we'll meet after a week. Okay, sir. Okay, sir. Thanks, sir. Thank you. Thank you.